हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं हम बॉम्बे कॉलोनी में, और ये MIM का जो है दफ्तर है, कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान का ये दफ्तर है। और आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखी गई थी। मुमरा कौसा का जो कब्रस्तान है, वो कब्रस्तान की जो है चालू करने की मांग है, और साथ ही जो है कब्रस्तान के मसले पर जो मिट्टी घोटाला है उसको लेकर, और जिस तरह से सैफ पठान को तड़ी पार की नोटिस मिली है, और मुमरा शहर की जो इलीगल बिल्डिंग, ऐसे तमाम मसलों पर जो है MIM के कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैफ पठान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए कि हम लोगों को यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही थी, ये तो मुद्दा अर्जेंसी में आ गया तो बुलाना पड़ा, नहीं तो हम लोग आज शाम को इत्मीनान से करने ही वाले थे। मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ साल से कब्रस्तान का एक इशू गरमाया हुआ था हमारे शहर में, उसके रिलेटेड यानी यहाँ हम कब्रस्तान यानी कुछ मुमरा वालों के लिए पास हुआ था, लोग लेने राज़ी नहीं थे, फिर जैसा कौसा कब्रस्तान बंद हुआ, उसके बाद अमृत नगर कब्रस्तान आज बंद है, तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने लेटर दिए थे। हमने वक्फ बोर्ड को भी लेटर दिया और दोनों कब्रस्तान कमेटी को भी लेटर दिया है। कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टियों को हमने लेटर दिया है, उसमें हमने लिखा है कि आपने 9/2/2019 से कब्रस्तान बंद रखा है, ऑलमोस्ट 20 मंथ्स हो चुके हैं, और आपने बंद करते टाइम ये बताया था कि मेंटेनेंस के लिए बंद किया जा रहा है, और आज तक मुझे हम लोगों के पास जो जानकारी है तो अंदर कुछ मेंटेनेंस का खास काम हुआ नहीं है। और उसी दिन सेम डे जो कब्रस्तान के विरोध में पूरा मुमरा था, वो कब्रस्तान वहाँ बंद करके वहाँ पर TMC ने नोटिस लगाई कि जिसको भी तब्दील करना है वो अंदर जाए, तो एक तरह का ये लोगों को मजबूर किया गया MMLE कब्रस्तान पे। तो उसके रिलेटेड हमने दिया है उनको कि अब वो 20 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, आप वो कब्रस्तान चालू करो। अमृत नगर कब्रस्तान था 3.5 महीने से बंद है, ठीक है, कोरोना के पीरियड में वहाँ पर तब्दील ज़्यादा हो गई थी, यानी कुछ डेथ रेशियो बढ़ चुके थे जिस वजह से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन एज अ रेगुलर अब जो पहले दो साल पहले जो तब्दील पहले की गई होगी वहाँ से शुरू किया जा सकता है, अंडर मेंटेनेंस रखते हुए पहले भी कब्रस्तान शुरू रहा है, कोई इशू नहीं रहा है, तो वहाँ लेटर दिया है। और हमने एक कंप्लेंट का लेटर वक्फ बोर्ड, CM, माइनॉरिटी कमीशन, कलेक्टर ऑफिस, उनको भी दिया है। ये दोनों को लेटर देने के बाद हमने वक्फ बोर्ड को भी लेटर दिया है कि जो कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट ने जो कब्रस्तान बंद किया था वो उनको राइट्स नहीं था बंद करने का, इतने टाइम के लिए कोई कब्रस्तान बंद नहीं हो सकता, उन लोगों ने अपनी मनमानी के तहत बंद किया हुआ है। और आज कोई VIP सोर्सेज से अगर जाता है तो तब्दील वहाँ ली जाती है। नॉर्मल इंसान आज भी परेशान है, हमको काफ़ी कॉल्स आते हैं, या मैं समझता हूँ आप लोगों को भी आते होंगे, जितने भी यहाँ पर सामाजिक या जितने भी लोग एक्टिव है उनको कॉल आ रहा है कि भाई हमारे घर वालों को हम दफनाना नहीं चाहते, लेकिन एक तरीके से वो मजबूर है, तो उसके लिए हमने दिया है कि आप कुछ वक्फ बोर्ड ऐसा डायरेक्शन दे और इन लोगों पर कंप्लेंट FIR लॉन्च हो, तो उसके मौजू पर हमको एक करना था। और दूसरा कि जैसा आपको पता होगा कि अभी MIM से मुझे सदर बनाया गया है, मेरे सदर बनते साथ ही यानी काफ़ी यानी मुझे परेशान किया जा रहा है। अभी कल की बात है कि कल मुझे एक नोटिस आया है SEP ऑफिस से, और वो नोटिस में मुझसे जवाब मांगा, और वो नोटिस तड़ी पारी का नोटिस है। तो मैं तो आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा सोशल वर्क के लिए आगे आता हूँ, हॉकर्स के लिए कभी आगे आता हूँ, कभी कब्रस्तान के लिए आता हूँ, कभी टोरेंट के खिलाफ आता हूँ, हमारी पार्टी को लेकर के हमेशा जहाँ लोग परेशान हैं वहाँ आगे आते, हम कोई गुंडे तो है नहीं। अब मुझ पर जो केसेस बने, जो उसमें 2 केस मुझ पर बताए गए, एक एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के मुझ पर केस बताया गया, वो उससे भी सब लोग वाकिफ है, उसमें मुझ पर 353 एक्ट लगाया गया था, जबकि मैंने उसका पूरा अहवाल दिया है कि वो एक पार्टी का फंक्शन था, वो गवर्नमेंट फंक्शन नहीं था, तब भी मुझ पर 353 एक्ट लगाया गया। उसके बाद अभी लॉकडाउन पीरियड में मुझे एज अ वॉलेंटियर खुद उतारा गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे पास उसके कार्ड्स है वॉलेंटियर के, वो कार्ड होने के बावजूद अगर वहाँ पर कहीं एक जगह पे झगड़ा हो रहा था, रुकाया था, मिटाया था, तो उसमें मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए, उसके वीडियोस वायरल किए गए, पॉलिटिकल प्रेशर बना करके उसमें मुझ पर 188 लगाया गया। अगर आप लोगों ने मुझे वॉलेंटियर बनाया था तो आप लोग मुझ पर केस करते, 149 की धारा मुझ पर लगाई गई, साथ में 326 जैसे गंभीर आरोप मुझ पर कर दिए गए। तो वो सबको लेके आज मुझे एक नोटिस दिया गया, और उसमें
क्या पता किस किस की स्टेटमेंट है कि मैं हफ्ता वसूली करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो उसके संदर्भ में यानी आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि ये आप लोगों को बताया जाए कि ये मुझ पर प्रेशर बनाने का काम किया जा रहा है। मुझे यानी जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूँ या उससे पहले भी मुझ पर आप लोगों को पता है कि एट्रोसिटी एक्ट किस कैसे लगे, वहाँ पर आपको पता है कोई वारदात नहीं थी, उसको मैंने कोर्ट में चैलेंज किया है वो केस को और कॉशिंग किया है। अभी मुझे जब ACP ऑफिस से नोटिस आया तो मैंने जामीन ली थी 326 के लिए, 143, 149, 323, 506 के लिए। अब मुझे नोटिस में 354 बढ़ा करके दिया गया है। मेरे जामीन लिए तक ये एक्ट नहीं था 354B। बस जैसा आप बता रहे भाई वैसे ही है। अब जो केस सुनिए ना, कोर्ट में नहीं है, इन लोगों ने मुझे लगा करके दे दिया और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर ये मेरी FIR पे भी अभी चढ़ा गया होगा। नहीं तो 354 के ताल्लुक से आपने पुलिस से बात की, टाइपोग्राफिकल एरर तो नहीं है कहीं, कुछ मतलब गलती से तो उन्होंने दर्ज नहीं किया है? नहीं, इसके लिए मैंने बात नहीं की, मैं पहले आप लोगों के पास ही आ रहा हूँ। मुझे लेकिन मुझे पता है कि ये हो सकता है कि देखो जैसे 326, 188 मुझ पर लग गया, आप लोगों को पता है कि जब एट्रोसिटी एक्ट लगने से पहले जब मैं वहाँ सवाल करने गया था TMC कमिश्नर और हमारे माननीय मंत्री साहब से, तो उस वक्त मुझे वहाँ से लेकर आया गया था, काफ़ी प्रेस रिपोर्टर ने उसको कवर किया था, वो न्यूज़ें भी बनी थी आपके माध्यम से, लोगों को बताया गया था। उसके दो दिन बाद मुझ पर एट्रोसिटी एक्ट लगा था, तो उसी तरीके से जब ये सब एक्ट झूठ लग रहे तो ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में बना होगा। तो मतलब ये ईद मिलादुन्नबी के दिन, बहुत ही अफसोस की बात है कि कल ईद मिलादुन्नबी था और इतना हमारे लिए खुशी का दिन, इतना बड़ा दिन था हमारे लिए, और उसमें मुझे आ करके मेरे ऑफिस पे नोटिस दिया गया और इसका जवाब मुझसे मांगा गया। अच्छा, नोटिस की डेट इसमें ऐसी दर्शा रही है कि मुझे 27 तारीख तक इसका जवाब देना है, 27 अक्टूबर तक, और मुझे नोटिस मिला 30 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे। तो मैं इसका इंशाल्लाह ताला, मेरे अभी यानी वकील से कंसल्ट हुई, हम लोग जवाब रेडी कर रहे हैं, 7 से 8 दिन के अंदर हम लोग इसका जवाब देंगे और मैं बाकी इसके खिलाफ़ कोर्ट में भी जाने वाला हूँ, ये नोटिसों के खिलाफ, और जो मुझ पर केस लगे, आरोप लगे, ऑलरेडी एक का कॉश हो चुका है, और जो लॉकडाउन में लगा है तो मैं सोच रहा था लॉकडाउन थोड़ा ओपन खुलेगा, कोर्ट जब रेगुलर ओपन हो गए तब जाऊँगा, लेकिन अभी हम लोग तत्काल ही यानी इसके खिलाफ भी कॉशन करने वाले। देखिए कि एक कैसा है कि अब अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ही बोलिए कि मेरा जो एट्रोसिटी एक्ट है उसकी जामीन के लिए मुझे ACP ऑफिस बुलाया गया था, और जब वहाँ पर मैं पहुँचा, मेरे साथ मेरे साथी भी थे, लिसान अंसारी, वलटकर साहब वहाँ मौजूद थे, ACP सर ने एक राय बना रखी थी मेरे बारे में कि तू गुंडा है। अच्छा। मुझे कंटिन्यूसली वो एक ही टोन कर रहे थे कि तू गुंडा है, तू गुंडा है, तेरी कंप्लेंट आती है। बोला सर अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है आप मुझ पर प्रेशर बना रहे, मेरे खिलाफ कब, जब मैंने कोई गुनाह नहीं करा तो आपके वहाँ से मुझे कंप्लेंट वो आ जाती है, मेरे पे NC हो जाती है, FIR हो जाती है, और आज आप बोल रहे मेरी कंप्लेंट आ रही है और आप लोग FIR नहीं ले रहे। तो मुझे उन्होंने वो कॉलम बताया, बोले वो कॉलम देख जल्दी तेरा नाम वो कॉलम में आएगा। तो अंदाज़ा तो मुझे हो गया था कि शायद मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद कोई बंदे को तकलीफ हो गई है और वो कहीं ना कहीं से प्रेशर बिल्ड कर रहा है और ये सब बातें हो रही। फिर उन्होंने पूछा कारोबार क्या करता है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में तो कारोबार क्या करता है, तो मैंने बताया कि भाई मैं केबल संभालता हूँ मेरे मामा वगैरह का। तो बोले हाँ केबल वाले तो सब गुंडे होते हैं। तो मैंने कहा सर जब आपने राय ही बना ली मेरे लिए मैं गुंडा हूँ तो मेरा एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ मेरे समाज के लिए, मेरे शहर के लिए कुछ गलत देखता हूँ तो आगे आके लड़ता हूँ, अगर उसके बाद आपको लगता है मैं गुंडा हूँ तो मैं कुछ बदल नहीं सकता। तो उन्होंने तो उसी टाइम मुझे इशारा दे दिया था कि जल्दी ये तुझ पे होगा, ये दबाव के चलते ही हो रहा है ये सब। नहीं तो आप बताएं मुझे कितने जन शहर में मौजूद है कि 2 केस पर उनको तड़ी पारी का नोटिस दिया जाता है, कितने जन शहर में ऐसे मौजूद है? यहाँ पर मुझे पता है लोगों की केसों से लिस्ट बड़ी पड़ी है, अच्छे अच्छे पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियन है उनके, हम तो पॉलिटिशियन है, और सबके सब पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि ये केस मुझ पे जो बनाए गए दोनों भी फेक केसेस है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर्स के अंदर बनाए गए। मेरे पास स्टेटमेंट है सामने पुलिस वालों के कितने कि बेटा हम तेरा बनाना नहीं चाहते थे लेकिन प्रेशर इतना आता है तेरा नाम आ जाता है, तो वो प्रेशर्स पे बनाए गए केसेस है। उसके लिए मुझे ये नया प्रेशर बनाया जा रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि कब्रिस्तान के लिए, टोरेंट के खिलाफ अभी मैंने, हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, हमारे बीच में पार्टी की मीटिंग हुई थी, हम लोग जल्दी 5 से 10 तारीख के बीच में भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, वो एक प्रेशर है। ऑकर जोन के लिए आपने देखा होगा जब भी मैंने मांगनी की है, मैंने लिखित में मांगनी की, मेरे पास पूरे लेटर्स है, और मैंने हमेशा लीगल हॉकर जोन शहर में मांगना है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर जितने हॉकर्स हैं ना ये काफ़ी टाइम से मेरे पास आते थे, परेशान रहते थे भाई हमारा बायोमेट्रिक सर्वे हो चुका है, हमारा इतना पेपर बनने के बाद भी हमको लीगल हॉकर जोन नहीं दिया जा रहा है और हम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, और जुल्म किससे छुपा नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों के न्यूज़ में देखा उनकी गाड़ियां तोड़ते हुए, उनके ऊपर जुल्म करते हुए।
एक तो प्रशासन की खुद की गलती कि वो उनको लीगल ऑकर जोन नहीं दे रहे, ऊपर से उनको और बेचारे गरीब यहाँ वहाँ से मेहनत करके पैसा ला रहे हैं, तो उसके लिए कभी हम आगे आके आवाज़ उठाते तो वो आवाज़ ना उठे मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, हमारी पार्टी को प्रेशर करने के लिए। आपको पता ही होगा कि MIM को यानी हर जगह टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले हमारे भिवंडी प्रेसिडेंट को भी इसी तरीके से टारगेट किया गया, आज मेरी बारी है, आगे और किसी की होगी। ये बोला गया है कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, मैं MIM के नाम पर लोगों को परेशान करता हूँ, धाक बनाता हूँ, धमकी देता हूँ और शायद उसी से मेरा घर चलता है, ऐसा उन्होंने बताया है। मेरे साथ उन्होंने मेरे छोटे भाई को टारगेट किया है कि वो चक्कू लेकर रोड पे घूमता है, यानी मेरे तक ने। अब आप बताओ, मेरे छोटे भाई को सब जानते हैं, उसका हाथ नहीं है इतना, वो हैंडीकैप है और वो चक्कू लेकर गुंडागर्दी करता है, इनके नोटिस में लिखा है। वो उसका बोला गया कि काम धंधा नहीं करता, जबकि मेरे पास उसके पूरे कार 24 या उससे पहले जो कंपनी में काम करता था उसके पूरे प्रूफ्स है। उसको कार 24 की तरफ से सम्मानित किया गया है सेल्स में पूरे बॉम्बे में, तो बंदा यहाँ रह के तो वहाँ पर काम नहीं कर सकता, तो वो वहाँ काम करता, वो दिया गया है। फिर उसके बाद कुछ दो स्टेटमेंट उसमें लगाए गए, वो फॉल्स स्टेटमेंट है, उसका मैं अहवाल मांग रही है, मेरी वकील मांग रही है कि कोई ने वो लगाया कि मैंने किसकी रिक्शा ली, उसको भाड़ा नहीं दिया, मैंने उसको धमकी दी कि मैं तेरा 800 रुपया नहीं दूंगा, मेरा नाम फला। आपको पता है कि केसेस कैसे बनते, मेरे लिसान अंसारी भाई ने अमित गडकरी को वहाँ देखा भी नहीं तब भी कॉलर भी पकड़ लिया वहाँ पर, ऐसा हमारी कंप्लेंट लिखी गई, तो उसी तरीके से सब केसेस बनाए गए। तो मैंने पार्टी से गए, मेरे आला जो है फैयाज भाई मुंबई प्रेसिडेंट, उनसे बात की, फिर इम्तियाज़ जलील साहब का मुझे सामने से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बोले ठीक है आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ में चले जाओ इसके खिलाफ़, अभी हम लोग बिहार के इलेक्शन में बिजी है, हम जैसे ही 5-6 दिन में फारिग होते हैं वहाँ से, वहाँ पर जो प्रचार बंद होता है, तो इंशाल्लाह ताला इम्तियाज़ जलील साहब खुद यानी आएंगे, फैयाज भाई खुद आएंगे, उसके बाद वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और कमिश्नर सर से मुलाकात भी होगी इसके संबंध में ना। पहले निकलने के बाद मुझे नोटिस दिया गया, मेरी रिसीविंग लेट है, तो इंशाल्लाह ताला मैं 7 से 8 दिन के अंदर उनको जो भी जवाब है इसका उन्हें। पार्टी MIM हमारे अध्यक्ष के साथ में रहेगी, इनके साथ में जो नाइंसाफियां हो रही है उसके खिलाफ हमारे आला कमान से भी बात चल रही है, जैसे कभी सर पहले भी बताया, और इंशाल्लाह ताला जिस दिन इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा बिहार का, इम्तियाज़ जलील साहब को हम रब्ता करके उन्हें बुलाएंगे यहाँ पे शहर में, और जो ऐसे हालात खड़े कर रहे हैं हमारे सदर के साथ में, मतलब गलत गलत जो केस बन रहे उसके लिए हम लोग कमिश्नर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। प्रेशर बिल्ड करने की मेन वजह कहाँ से शुरू हुई मैं आपको बताता हूँ। ये लेटर मैंने मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री, हमारे यहाँ के जो मंत्री है जितेंद्र अवार्ड उनको, अर्बन डेवलपमेंट सब तरफ, ऐसे 11 जगह मैंने लेटर दिया था। 1550 बिल्डिंग का जो मसला है शहर में बना हुआ है धोखादायक का, जिसको TMC ने नोटिस लगाई है, तो उसके रिलेटेड मैंने लेटर दिया था 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को आप लोग को पता है कि हम लोग कोई भी पॉलिटिकल यानि उस दिन काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे मंत्री साहब के पास जैसे ये लेटर पहुंचा 15 अगस्त को वो लाइव आकर के इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बोलने लगे। मैंने इसमें साफ तौर पे लिखा था कि जो मंत्री अपने क्षेत्र में बिल्डिंग इलीगल काम नहीं रोक सकता वो पूरे महाराष्ट्र को क्या संभालेगा, और यहाँ पर इतने धर्राटे से काम हो रहा है आज ये इलीगल कामों की वजह से, शहर के 20 बिल्डरों की वजह से 13 लाख से 12 लाख की जो आबादी वो परेशान है। 5 साल में उनकी बिल्डिंगों को गरीब यहाँ वहाँ से पैसा करके घर खरीदते, 5 साल में धोखादायक नोटिस लगा दिया जाता है और 2-3 साल में उसको खाली करके तोड़ने का काम TMC करती। तो इसमें मैंने काफ़ी मांगे की थी कि TMC की तरफ से हमारे लोगों को स्पेशल फ़ंड मिले, जो रिपेयर नहीं कर पा रहे उनको रिपेयरिंग का फ़ंड मिले, जो अधिकारी के रहते यहाँ पर काम हो रहे उस पर केस हो। तो इसके बाद से ही मुझ पर प्रेशर बनाने का काम शुरू हो गया, मुझे यानी मेरी कंप्लेंट भी है मुमरा पुलिस चौकी में भी, मैंने लिखित में कंप्लेंट दी है, मैंने सब तरफ दी है कि मेरे को यानी धमकी दी जा रही है, मुझे कुछ अनमोन पर्सन आकर के बाइक पे धमकी दे रहे, ये मैंने कंप्लेंट दी है 4/9/2020 को चौकी में, कि मुझे यानी ACP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस सब तरफ, कि मुझे अननोन पर्सनों से ट्रीट मिली जा रही है कि आप तो ये कब्रिस्तान की मिट्टी के खिलाफ भी मैंने डाला है, एंटी करप्शन में देकर आया हूँ मैं लेटर, उसके भी लेटर्स है, वो लेटर्स मैंने डाला है। ये देखिए मुमरा कौसा शहर में जो यानी मिट्टी भरने का काम हुआ था, जो घोटाला हुआ था उसकी, हाँ भरनी घोटाला के अगेंस्ट भी मैंने लेटर देकर आया, तो उस सब पे मेरे को ट्रीटनिंग आने शुरू हो गई थी। तो मेरी ट्रीटनिंग पे, मेरी कंप्लेंट में जो ट्रीटनिंग मिली उस पे कंप्लेंट देने पे अभी तक मुझे बुलाया तक नहीं गया कोई भी ऑफिशियल, स्टेटमेंट भी नहीं हुआ, और पता नहीं किन के स्टेटमेंट पे मुझे तड़ीपार का नोटिस दिया जा रहा है। यानी हमारी जान अगर शहर के लिए लड़ते हुए चली जाए तो इनको कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम शहर के कुछ लोगों को बचाने के लिए अगर मेहनत करें, काम करें, तो हमको तड़ीपार का नोटिस दिया जाएगा। और भी हॉकर्स के लिए मैंने लेटर्स दिए, रेलवे के लिए आपको पता है मैं लड़ ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, एक्सीलेटर्स के लिए मैंने अभी लॉकडाउन में वहाँ पर लेटर देकर आया था,
उसके खिलाफ मेरी भूख हड़ताल आगे होने वाली, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम उसके खिलाफ बैठेंगे। आप बताओ, हमारे मंत्री साहब वहाँ पूरे यहाँ से लेकर 21 स्टेशन तक आप जाके देख सकते हो, कल्याण से लेकर वीटी तक सब पे एस्केलेटर है, मुमरा पे नहीं। उसके लिए क्यों नहीं बोलते कभी? हम बोलते तो ये सब चीज़ों के लिए जो है ना मुझ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जैसे लड़ते हैं हम इसका भी जवाब देंगे, और आगे यानी जो भी कानूनी कार्रवाई है मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। देखो ये नोटिस निकलना, मुझ पे केसेस बनना, यहाँ काफ़ी लोगों पे बनते, ये पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटीज़ है यहाँ के लिए। अंडर प्रेशर पुलिस करती है, और हमको कानून पे पूरा भरोसा है देश के, हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है। हम वहाँ से इसके जो भी इसका हमारा रहेगा, अगर हम गिल्टी रहेंगे तो हमको सज़ा मिलेगी, या हम क्लीन करके इसको कॉश करके आएंगे। कि मैंने सिर्फ उन पे आरोप नहीं लगाए, मैंने यहाँ के चीज़ों के लिए काम के लिए जवाब मांगा है। अब वो जवाब दे तो वही है, अगर वो हर चीज़ का आके श्रेय लेते हैं तो अगर मट्टी घोटाला हुआ है तो वही जवाब दे, क्योंकि उन्होंने कभी मट्टी उठा के गुजरात की मट्टी बताई थी, सफ़ेद झूठ बोला था उन्होंने, वीडियो के जरिए मैंने बताया है, तो जवाब भी वही देंगे मिट्टी का। और इसके साथ साथ एक मेन प्रेशर और क्या बनाया गया कि मैंने यहाँ पर क्या ये अपना शमीम खान जो है उनकी एक साइट चालू है पीछे एमएम वैली के पीछे, तो हम लोगों को यानी आपने देखा होगा ये बारिश में अगर आधा घंटा बारिश होती थी तो रशीद कंपाउंड, कौसा गांव, ये सब तरफ पानी भर जाता था। तो हम लोग यानी इसको ढूंढ रहे थे कि पानी भरता क्यों, तो हम लोग जब पहुंचे तो पीछे हमको पता चला कि कोई बिल्डर काम चालू किया है, और जो नेचुरल नारे थे हमारे बड़े बड़े उसको छोटा कर दिया गया भरनी में, जबकि वो मैंग्रोव की जगह है, उसके पेपर्स हैं मेरे पास मैंग्रोव के। तो मैंने वो चलाटी से पूछा कि ये भरनी कौन कर रहा है, ये मैंग्रोव क्या है, तो उसके बाद से मुझे ट्रेनिंग उसके बाद से ज़्यादा शुरू हुई कि ज़्यादा हीरो नहीं बनना शहर में, हमारे काम को होने देना, काम तो वैसे भी होगा, कितना जाता है जा, हम लोग का काम तो होगा इस तरीके के। फिर कोई उनके एक नेता ने कहीं पे किसी से मुझे मैसेज भेजा है कि मेरी यानी सीधी टांग को टेबल पर रख के काट दिया जाएगा। अच्छा। हमने जवाब में कहा ब्रश करके आना, तो वो सब चीज़ें नॉर्मल होती रहती है, वो मुझसे उन लोग का हमेशा चलता रहता है। फिर यानी ये सब आरोप लगाना है तड़ी पर, तो ये सब होता रहता है, लेकिन शहर को इसका हल नहीं मिल रहा है। जैसे अभी अगर वो नाले, आप बताओ कि अगर मैंने पूछा, अगर मुझे दिखा कि रशीद कंपाउंड के लोग तकलीफ़ में है, हर आधे घंटे की बारिश में नीचे दुकानों में पानी भर जा रहा है, बहुत से लोग वहाँ पर नीचे बैठी चालों में रहते हैं, उनके घरों में पानी भर जा रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, तो एक बिल्डर के लिए उन सबको नुकसान क्यों? तो तलाटी से मैंने उसका पत्र व्यवहार किया, तलाटी से मैंने उससे वो डिटेल्स मांगी कि ये मैंग्रोव की जगह को पहले मैंग्रोव कटिंग करके भरनी भरा जा रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, मुझे इसका जवाब दो। मैंने उसके पूरी डिटेल्स मांगी है, जितने फेरफार उस पर हुए सब डिटेल्स मांगी है मैंने, ये पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। फिर एक और एक था, एक किसी उनके ही पार्टी के किसी एक मेरे चाहने वाले ने, जिसने मुझे ऑडियो क्लिप पहुँचाया था, उसने मुझसे कहा कि जो अपने शमीम भाई जो परिवहन के मेम्बर्स बने हैं, वो मेंबर्स की कुछ सर्टिफिकेट वहाँ पर जो दी गई है उसको क्रॉस वेरीफाई करो, सर्टिफिकेट कुछ ओरिजिनल नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट के लिए मैंने परिवहन में जा करके यानी थाना डेपो पे जा करके जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ पर जा करके मैंने उनका पूरा अहवाल मांगा है, पूरे एक एक सर्टिफिकेट्स मांगे कि अगर ऐसा एक बंदा जो आज यानी समझो एक लाइट से कि अभी तो मुझे पता नहीं, वो पेपर मिले नहीं मुझे, पेपर मिलेंगे तो, अगर वो आज ऐसा जाली सर्टिफिकेट लगा करके ऐसा क्राइम करके अगर आज कोई पोस्ट हासिल करता और उनके बनने के बाद फ़ायदा क्या हुआ शहर को, आप बताओ? अगर कोई काबिल बंदा पढ़ा लिखा बंदा वहाँ बैठता तो शायद हमको पूरे बस स्टॉप मिलते, एक खम्मा नहीं मिलता। आज वो इस तरीके के लोगों को बिठाए जा रहे हैं जिनको समझता नहीं, उनके बनने के बाद एक जन भी बताओ कि लॉकडाउन में एक भी बस अंदर आई? आज भी हमारे लोगों को वहाँ पर खड़े रह करके लाइन में खड़े रहकर बसेस पकड़नी पड़ती है रेती बंदर के सर्कल पे। तो ये सब चीज़ें जब काबिल नहीं है, इनको पोस्ट लेने के लिए जाली सर्टिफिकेट्स वहाँ पर सबमिट की गई है, ये सब जब मैंने चीज़ें खोदना शुरू की, मैंने लीगल चीज़ें यानी उनसे मांगना शुरू करी, चाहे TMC ऑफिस में मैंने स्कूलों की पूरी डिटेल्स मांगी है कि कितने हमारे शहर में स्कूल चार्ज, स्कूल माफिया जो चल रहा है शहर में, जो फीस माफिया चल रहा है उसके खिलाफ क्या, अगर आज हमारे को गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी मिल जाए हमारे शहर में तो वो कितनी कहाँ कहाँ पास हुई है, उसका जवाब अभी मुझे परसों आया है। तो इस तरीके से मुझे जवाब आने शुरू हुए, शायद कहीं कुछ कहीं पे यानी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हुआ कोई मंत्री पे या किसी पे, तो उसके चलते ये सब हो रहा है मेरे साथ।